सही है। तो चंद परिंदे आपके जैसे एक दोस्त भाई ने रखवा दिए थे मुझे, सही है ठीक है, और इसमें गलत बयानी करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़े से बिल्कुल, सही तो है। फिर ये अल्लाह का शुक्र है उसी से ही फिर ये किया। अभी ये बाहर से पूरी पूरी कलोनी फिर तैयार हुई, सब कुछ यानी मेरे ख्याल सही से है, 18 पीस लिए थे मैंने, यानी ठीक नौ है, पेयर, सही है, ठीक जिसमें से 6 या 7 पेयर कंफर्म हो गए थे, एक है, दो पेयर नहीं थे वो कंफर्म हुए, चले नहीं थे, कोई भी प्रॉब्लम थी बाहर, सही बाकी है, फिर उसी के बाद चल तो चल चल, पता क्या होता है बात ये होती है शौक की, सही है, अब बात समझ में, उम्मीद से ये मुराद, हाँ मुझे ये नहीं था अंदाजा कि भाई इनकी जो माशाल्लाह ग्रोथ इस हद तक हो जाएगी कि मैं इसको जो है ना एज ए बिजनेस में कन्वर्ट कर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये समझ लें कि मैंने पट्टे लिए थे, ठीक है, मुझे 1600-1600 रुपए के पट्टे मिले थे, सही है, ठीक है, अब आप अंदाजा लगाए 18 पट्टे लिए थे सही मैंने, है, ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने कुछ 37-40 हज़ार का टोटल लगाया था ठीक या है, 50 हज़ार लगा ले नहीं लगाया था, सही है, तो फिर उसके बाद मैंने अल्लाह का शुक्र है इस वक्त 1 लाख रुपए के बर्ड बेच चुका हूँ, सही है, कोई ऐसे नहीं है कि भाई कुछ सैकड़ों के बेचे हैं, सही है, 1 लाख रुपए के बेचे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ए एम इंशियल, मैं हूं अब्दुल माजिद और आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। माशाल्लाह आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी होंगी इस बिज़नेस के हवाले से, और आज मैं फिर एक ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि आप एक कम सरमाए में एक अच्छा बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारी आपने वीडियोज़ पहले भी यूट्यूब पर देखी होंगी, फेसबुक पर देखी होंगी, तो उसी सिलसिले में जो है मैं आज आपके लिए एक बड़ी मुनफरिद और एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, और मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त मौजूद हैं जो कि ये बिज़नेस करते हैं। इन्होंने पार्ट टाइम जो है ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन माशाल्लाह आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कामयाब हुए हैं, क्योंकि मुझे भी बचपन में मेरी हॉबी थी जो है परिंदे वगैरह पालना, तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त अच्छा बिज़नेस है, आप अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं, कम सरमाए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं जो कि ये बिज़नेस करते हैं, तो उनसे जो है वो इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है? कैसे? तो ये मेरा कॉलेज का भी फ्रेंड है और वैसे भी बड़ा मेरा अच्छा दोस्त है, तो आज से मेरे बुलाया अपने घर पे, और आज की वीडियो में हम आपको इस बिज़नेस के हवाले से कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप ये जो बिज़नेस है वो कैसे कर सकते हैं, और इसमें सरमाया कितना लगता है, और इसके अंदर जो एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और आसिफ भाई से जानते हैं कि इन्होंने किस तरह इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, माशाल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती जो है वो टाइम से हमें टाइम दिया है, और सबसे पहले अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपने बिज़नेस के हवाले से, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। भाई जी कुछ नहीं खास, आसिफ शहजाद नाम है मेरा। जी ठीक है, मेरा बिजनेस ना पेंट का मेरा बिजनेस है, बेसिकली ना बेसिकली आपका मेन जो है पेंट का बिजनेस है। ये तो शौक था, सही तो है, चंद परिंदे आपके जैसे एक दोस्त भाई ने रखवा दिए थे मुझे, सही है, और इसमें गलत बयानी करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़े से बिल्कुल, सही है, तो फिर ये अल्लाह का शुक्र है उसी से ही फिर ये किया। अभी बाहर से पूरी कलोनी फिर तैयार हुई, सब कुछ यानी मेरे ख्याल से 18 पीस लिए थे मैंने, यानी 9 पेयर, सही है, जिसमें से 6 या 7 पेयर कंफर्म हो गए थे, ठीक है, एक दो पेयर नहीं थे वो कंफर्म हुए, चले नहीं थे, कोई भी प्रॉब्लम थी बाहर, बाकी फिर उसी के बाद चल सो चल। अच्छा, जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको कोई उम्मीद थी कि ये जितना चलेगा? नहीं, उम्मीद के माजिद भाई पता क्या होता है बात ये होती है शौक की, सही है, अब बात समझ में, उम्मीद से ये मुराद, हाँ मुझे ये नहीं था अंदाजा कि भाई इनकी जो माशाल्लाह ग्रोथ इस हद तक हो जाएगी कि मैं इसको जो है ना एज ए बिजनेस में कन्वर्ट कर लूँ, सही है, तो ये है था कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट टाइम भी बेचे, और ये बेसिकली ना मेरे पास जो है ना ये नॉन लिविंग बर्ड है, सही है, और इसको रोजी गोली कहते हैं, सही है, ठीक है, ये ज्यादा है, और ये मार्केट में सबसे हॉट आइटम है, सही है, यानी किसी के आपको ना किसी को ऐड लगाने की जरूरत है, सही है, ना किसी के बाद ये है कि आप जाएं मार्केट में बेचें, सही है, ऑफ सीजन में भी बेचेंगे तो आपके पास कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि मैंने नहीं लेने, सही है, रेट कम ज्यादा अगर जरूर कह सकता है, लेकिन ये नहीं कहता कि नहीं लेने, तो आप उसको आराम से बेचते हैं, और आपके अलावा कोई मसला ही नहीं है।
अच्छा क्या मशवरा देंगे अगर किसी ने ये बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आप अपनी जो है वो तजर्बे से हमारे नाज़रीन को क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितने सरमाए में शुरू हो जाता है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी देर में स्टार्ट हो जाती है? बड़ी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये समझ लें कि मैंने पट्टे लिए थे, ठीक है, मुझे 1600 रुपये के पट्टे मिले थे, सही है, ठीक है। अब आप ज्यादा लगाए 18 पट्टे लिए थे, सही है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने कुछ 37-40 हज़ार का टोटल लगाया था, ठीक है, 50 हज़ार लगा ले नहीं लगाया था, सही है। तो फिर उसके बाद मैंने अल्लाह का शुक्र है इस वक्त लाखों रुपए के बर्ड बेच चुका हूँ, सही है, ऐसे नहीं है कि भाई कुछ सैकड़ों के बेचे हैं, सही है, लाखों रुपए के बेचे हैं। लेकिन ये है कि म्यूटेशन में नहीं गया, इनमें गया हूँ जो आराम से जो है ना बिक भी जाते हैं, और इनकी जो टेक केयर वो उस हद ऐसी नहीं है जो दूसरे बर्ड्स की होती है ना, बहुत ज़्यादा, सही है। सुबह इनको दाना पानी करते हैं, ठीक है, उसके बाद शाम को इनको आगे दाना पानी करके इनकी लाइटें वगैरह ऑफ करते हैं, सही है, यही रूटीन है। और कुछ यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो ये बर्ड हैं आपको वो बर्ड लेना चाहिए जो मार्केट में फोट हो और जाओ आसानी से बिक जाए, कमर्शियल, जिसको आप कह लेना कमर्शियल, कमर्शियल बर्ड, कमर्शियल बर्ड। अच्छा आपने ये जो साहब पीछे मैं देख रहा हूँ ये बर्ड रखे हुए हैं, तो आपने ये जो बर्ड रखे शुरू से ही ये बर्ड रखे कि चेंज भी किए? नहीं यही रखे हैं मैंने, ठीक है, इन्हीं से ही ग्रोथ हुए मेरे पास, इन्हीं से ही हुए मैंने। इनकी प्रोडक्शन जो है वो कितनी देर बाद स्टार्ट करना शुरू कर दी? माशाल्लाह मैं आपको क्या बताऊं कि ना आप यकीन करें ये ना ऑटो पे है, ठीक है, यानी ऑटो से मंगा दिए कि आप अगर घर में भी आप खुद भी अगर करना चाहते हैं 2-4 केयर लेने हैं, सही है, और माशाल्लाह 4-5 बच्चे, इवन कि मैंने 7-7 बच्चे इनके नीचे फुलवाए हैं, सही है, और पले हैं, सही है। और ये है कि इनके डेडिंग सेल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, सही है, ठीक है, दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि ये ज़रा ब्लड लाइन ज़रा ये स्ट्रॉन्ग है, सही है, और किसी किस्म का कोई मसला नहीं, और इनकी मोर्टेलिटी भी कम है। अच्छा शुरू शुरू में आपको कुछ हर्डल्स भी आई होगी, कोई आपको ऐसा भी लगा होगा कि मैंने कोई गलत फैसला कर लिया है? शुरू में भाई बात यह है कि जानवर है ना, जिम्मेदारी आ रही ना, तो ये सुबह दाना डालना है, शाम को दाना डालना है, कहीं पे आप ज्यादा जल्दी जा नहीं सकते, सही है, ठीक है, कहीं निकल नहीं सकते, तो मुझे तो बड़ी परेशानी थी, सही है, बड़े मामलात काम खराब थे कि यार ये भी हो गया और वो भी है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेगम मेरी ने जरा हमारी सपोर्ट की, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अल्लाह का करम है। कितनी देर बाद ये अंडे देने शुरू कर देते हैं और उसमें प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाती है? वो जी इनके अंडे मिसाल के तौर पे आपने 2-4 पेयर रखे हैं, सीजन टू सीजन चलते हैं, सही है, ठीक है, अगर आपको शौक है, अभी इनका सीजन स्टार्ट है, ठीक है, ये मार्च से अप्रैल तक जो है ना इन तब तक आगे सीजन चलेगा जब तक ये गर्मी नहीं होगी, सही है, ठीक है, और जितना ये अब 21 दिन बाद ये अंडे हैच कर लेते हैं, 22-22 दिन लग जाते हैं, 22-23 दिन, ठीक है, उसके बाद ये खुद ब खुद बच्चे पालते हैं, आपका वो काम ही नहीं है इनको, यानी कि हर 3 महीने के बाद ये प्रोडक्शन लेना शुरू कर देते हैं? हाँ जी, यानी ये अगर आप पट्टे लेंगे तो जो पट्टे जो होते हैं ना वो 7-8 माह के पट्टे चल जाते हैं आपके पास, सही है, और लेकिन ये कह लेंगे जितना इनकी दोबारा प्रोडक्शन जितना अब एक क्लच चल रहा है, जो पहला क्लच होगा ना वो तकरीबन 2-3 महीने का होगा, ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्लच है, अभी थर्ड क्लच है, यानी कि साल में 3 दफ़ा आपको चार क्लच आप इनके ईजिली ले सकते हैं, ईजिली ले सकते हैं, और ये डिपेंड करता है क्लच में कि आपके पास बर्ड कितने हैं, सही है, मेरे पास जो बर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये टारगेट है कि मैं इनसे कुछ ना ग्रुप एक क्लच में से 100 चिक्स ले लूँ, सही है, ठीक है, और वो ले हैं, सही है, जबरदस्त शुक्र है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप एक जो इनकी प्रोडक्शन साइकिल है उसमें से तकरीबन आप 100 बच्चे जो है वो लेना का आपका टारगेट है, हाँ बिल्कुल, तो उस तरह से आप इनको लेके चलते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको लेके चलते हैं, सही है। देखिए मैं ये कहूँगा कि जी कोई बंदा कहे ना कि जी मैं रख लूँ, और नहीं नहीं स्टार्ट करें 2 या 4 या 5 चीज अपना पेयर से, ठीक है, ठीक है, फिर वो आपको खुद सिखाएंगे, सही है, आप उनको नहीं कुछ करना है, वो उन्होंने आपको सिखाना है, सही है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये नीड है हमारी, ठीक है, जब आप 5 पेयरों पर आपका हाथ है तो हो गया, फिर चाहे आप 50 पेयर रख लें। तो इसमें आपने जब शुरू में रखे थे तो इसमें मसाइल क्या आते हैं? अंडों में से बच्चे अगर वो निकल आए या मर जाते हैं या वो अंडे प्रोडक्शन ही देना शुरू करते हैं, उसमें क्या मसले मसाइल आते हैं? वही सर देखें बात ना, एक सिंपल सी बात है, एक अपना एक रूल है, सिंपल सा रूल है, इनको ना हेडेक लेके नहीं रखा हुआ, सही बात समझ रहे, मसलन जो सीजनल वेजिटेबल होती है ना वो डालते हैं, सही है, अब बात समझ रहे, सही है, और सीजनल फ्रूट इनको जो अगर मुझे मिल जाए मैं वो डाल देता हूँ, सही है, और इनके लिए कोई हार्ड फास्ट रूल भी नहीं है ऐसा कि भाई बहुत कोई ऐसा है, जो रूटीन में दाना चलता है वो डाल देते हैं, सही है, और अल्लाह का शुक्र है ये सारे मामला आते हैं। हर्डल्स देखें, हर जब बंदा काम करता है हर्डल्स तो आती हैं, सही है, परेशानियाँ तो आती हैं किसी भी किस्म की, खासतौर पर गर्मियों में बरसात में,
इन्हें ये वेंटिलेशन लाजमी चाहिए होती है इन लोगों को, सही है, बर्ड वगैरह को तो ये देनी पड़ती है। तो ये तो मैंने आपको बताया ना कि आप दो चार पेयर रखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा सही है, हाँ यार करना क्या है, रखना क्या है, करना क्या है। सही है। अच्छा अगर थोड़ा सा उनकी जो है जो बच्चे वगैरह जो निकल रहे हैं वो हमें थोड़ा सा दिखा दें, और आप इनको सेल भी करते हैं? हाँ जाती बात है, मार्केट में सेल करते हैं, आराम से निकल आते हैं। ये माशाल्लाह से इन्होंने कितने बच्चे दे देती है? ये चार बच्चे तो हैं इसमें, मिनिमम फोर बर्ड्स जो है वो देती है। अंडे तो ये पांच से आठ भी देती है भाई। ठीक है ठीक है, पांच से आठ अंडे एक बर्ड दे देता है, एक बर्ड दे देता है। ये देखिए पांच बच्चे हैं, सही हो गया। तकरीबन सब में अंडे बच्चे हैं, सही है, सब में अंडे बच्चे हैं। ये देखें जबरदस्त हो गया, ये सब में अंडे बच्चे हैं, किन में अंडे हैं किस में बच्चे हैं, सब में, सब में, सब में। कोई एक ऐसा बॉक्स नहीं है, सही है, जो इसके अंदर जिसके अंदर ना कोई भी एक ऐसा बॉक्स नहीं है, सही इसके अंदर ना इनके बच्चे ना हो या अंडे ना। अच्छा आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये एक ही जो है वो किस्म का बर्ड रखना चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म के आप बर्ड रखें? बहुत ही बात है, क्या बात इतनी सी है कि अपना तो एक असूल है, ठीक है, कि बर्ड वो रखो जो आराम से मार्केट में दिख जाए, सही है। अब बात समझ रहे हैं, बात यह है कि अब इतनी मोटेशन आई है, लोग कहते हैं फलानी चीज़ ले लो फलानी, वो महंगी बहुत है, सही है, उसका बायर भी फिर उस हिसाब से होगा, सही है, तो लोगों की रोजी रोटी नहीं पूरी होगी तो इतना बर्ड महंगा परचेज करेंगे, सही है। ये बेसिकली बर्ड बहुत होते हैं, ठीक है, तो ये बाहर जाते हैं आराम से, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, उनकी बड़ी डिमांड है, सही है, आराम से यहाँ से ये लेते हैं और आराम से यहाँ पे सेल हो जाते हैं, आराम से सेल हो जाते हैं, जरूरत नहीं है आपको इतना ज्यादा इनकी मार्केटिंग करने के लिए। अब लास्ट टाइम मैंने अब इनके जो है ना तकरीबन कोई 50 जो है ना देखे हैं पेयर, 100 पीस कह लें जिसको, सही है। मैंने गया हूँ मार्केट में, मैंने उधर गया हूँ और बंसपुरे वाली मार्केट में, बंदे को बताया मूवी दिखाई है, वो आया है रात को घर से, उसने सारे पेयर उठाए हैं, 30 उठाए हैं, डाले हूँ ले गए, पैसे दे गया मुझे, वो मुझे क्या ज़रूरत है कि एक एक पीस देने की और दो दो पीस देने की, वो आते हैं ले जाते हैं, हमारा अल्लाह का शुक्र है। सही, माशाल्लाह आसिफ भाई ने आज हमें टाइम दिया है और बड़ी अच्छी जो है वो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, तो अगर आपने इनसे रब्ता करना है, इनसे बर्ड वगैरह परचेज करने हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप ये जो है वो रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप अपने कारोबार की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर भी जो है वो चैनल के नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़। चलो।